गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। इसका नाम है सर्वदमनो भरतः, सभी का दमन करने वाला भरत, जिसके नाम पर ये वही भरत हैं जिनके नाम पर अपने जिन देश का नाम भारत पड़ा। तो आइए इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा हुआ है तथा प्रविशति तपस्विनी भ्याम बाला। तथा माने तभी, प्रविशत माने प्रवेश करती हैं, तपस्विनी भ्याम बाला, दो तपस्विनी बालाएं। तो तभी दो तपस्विनी बालाओं का प्रवेश होता है। बाला जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेश से। बाला लड़का एक है जिसका नाम सर्वदमन है, वो सिंह को पकड़े हुए है, सिंह के बच्चे को पकड़े हुए है। तो उससे कहता है जृंभस्व सिंह, हे सिंह अपना जम्भस्व मीन्स जमहाई लो, हे सिंह जमहाई लो दंतास्त्रे गणेश से, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। तो प्रथमा जो पहली तापसी बाला है कहती है अवनीत किमना अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोश। अवनीत हठी कहीं के जिद्दी बच्चे, किमना अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोश, क्या तुम संतान की तरह पाले गए बच्चे को सता रहे हो? क्यों तुम संतान की तरीके से पाले गए बच्चे को सता रहे हो? हंत छोड़ दो, वर्धते तब संरभा, अब तुम्हारी जो हंत माने दुष्टता है, जो शैतानी है, वो बढ़ती जा रही है। स्थाने खलु ऋषजनेन सर्वदमन इति कृतनामधेयो ऐसी, इसी स्थान पर ऋषि मुनियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है। दुश्चंता किम नु खलु बाले अस्मिन और अस्य पुत्रे स्मृतमेना। तभी दो वहाँ पर राजा दुष्यंत आ जाते हैं, तो कहते हैं किम नु खलु बाले अस्मिन और अस एव पुत्रे स्मृहत मेवना, कि किम निखल, क्यों इस बालक को देखकर मेरा मन इसे अपने बच्चे के तरीके से स्नेह करने को हो रहा है। नूनम अनपत्यता माँ वात्सल्यत, लगता है मैं नूनम अनपत्यता माँ वात्सल्यत, लगता है मेरी कोई संतान नहीं है, इस वजह से ऐसा है। द्वितीया ऐसा खलु केशरणी त्वं लंघिष्यति यदस्याः पुत्रकं न मुञ्चसि। तो द्वितीय तापसी कहती है कि एषः खलु केशरणी, अरे वो दुष्ट सिंहनी त्वं लंघिष्यति, तुमको निगल जाएगी, यदस्याः पुत्रकं न मुञ्चसि, यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। बालका बाला सस्मितम अहो बलिः खलु भीतो अस्मि, सस्मितम डरते हुए अहो बलिः खलु भीतो अस्मि, तो को कहता है हंसकर कहता है कि अहो बलिया खलु भीतो अस्मि, जो बलवान होते हैं वो दुष्टों से डरते नहीं हैं। इत्य धर्म दर्शयति, उसने हंसकर कहा। प्रथमा वत्स एनम बाल मृगेंद्रा मुंच अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि। वत्स एनम बाल मृगेंद्रा मुंच, इस शेर के बच्चे को मुंच में इस छोड़ दो, अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, मैं तुमको कोई दूसरा खिलौना दे दूंगी। बाला कुत्र देहि तत् इति हस्तम प्रसारयत, कुत्र देहि तत् क्या दोगी, इति हस्तम प्रसारयत, उसने अपना हाथ फैला दिया। द्वितीया सुब्रते न शक्य एषा वचना मात्रेण विरमयितुम, सुब्रते क्या कहते हो, न शक्य एषा वचना मात्रेण वीर मैं तुम, केवल कह देने मात्र से ही तुमको चीज नहीं मिल जाएगी। गच्छ त्वम मदीये उटजे मृतिका मयूर तिष्ठति तमस्योपरः, गच्छ त्वम तुम जाओ, मदीये उटजे मृतिका मयूर तिष्ठति तमस्योपरः, कि मदीये उटजे मेरी कुटिया में मृतिका मयूर तिष्ठत, एक मिट्टी का मोर रखा हुआ है, तमस्योपरः उसको ले आओ। प्रथमा तथा इतनी निष्कांता, प्रथमा जो पहली तपस्विनी बाला है वो कहती है ठीक है, इतनी निष्कांता इतना कहकर चली जाती है। बाला अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि,
इति तापसी विलोक्य हसति। अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि, तब तक मैं किससे खेलूं, इति तापसी विलोक्य हसति। उसने तापसी बाला को देखकर हंसा। तापसी भवतु न मामय गणयति, राजनम अवलोक्य भद्रमुख मोचयनान बद्यमान बाल मृगेन्द्रम। तापसी भवतु, देखो न मामय गणयति, मैं नहीं गिनती हूँ। राजनम अवलोक, राजा को देखकर, भद्रमुख हे भद्रमुख, मोचनायन बद्यमानम व्याल मृगेंद्रम, ये जो बच्चा है ये क्रीड़ा कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।